ऐसे गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब। मुझे तो आज के शुरू में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एयरटेल के समय तो उसमें फालतू के मैसेजेस और कॉल्स आती रहती है कंपनी की, तो उनको आप कैसे बंद कर सकते हैं। जब दोस्तों मेरे पास भी समय उसमें कंपनी के काफ़ी ज़्यादा SMS और कॉल्स आते रहते थे, तो उनको मैंने बंद कर दिया है। तो अगर आप भी बंद करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके सिर्फ और सिर्फ काम के मैसेजेस और कॉल्स ही आते रहें, कोई बेकार कॉल और मैसेज ना आते रहें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इनको कैसे बंद कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो कर लेते हैं शुरू। उससे पहले एक चीज और आपको बता देता हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी अपडेट मिलती रहती है। चलिए बिना देर के वीडियो कर लेते हैं शुरू। सो गाइस अब हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है। अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है तो उस पर आ जाना है, अगर आपके पास कीपैड फोन है तो उसको भी आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके मैसेजेस वाले ऐप में चले जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे एक नंबर पर मैसेज करना होगा 1909, ये आपको यहाँ पे सर्च करके इस पर आपको मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर्स कर लेने, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है स्टार्ट START और आपको स्पेस देके 0। जैसे आप ये लिख देते हैं उसके बाद इसको आपको सेंड करना है आपकी उसी एयरटेल की सिम से जिस पे कि आप बेकार के SMS और कॉल्स को बंद कराना चाहते हैं। तो इसको आपको सेंड कर देना, जिससे कि ये सर्विस आपके उस नंबर पर स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि आपको बेकार के कॉल्स और SMS आना बंद हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।